हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित सेमवाल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जेम पे टेंडर पार्टिसिपेट, बिड पार्टिसिपेट कैसे किया जा सकता है। साथ ही साथ हम लोग समझने वाले हैं कि जो बायर ने टेंडर डॉक्यूमेंट पब्लिश किया है उसकी जो टेक्निकलिटीज हैं, जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं उनको कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे उनको सबमिट करना है ताकि आप लोग टेक्निकली डिस्क्वालीफाई ना हो। कभी कभार आप देखते हैं टेंडर रिजल्ट निकल जाता है, आप देखते हैं यार ये तो मेरा मतलब मेरा रेट इससे भी कम था, मैं इसमें क्वालिफाई कर जाता तो शायद मेरे को टेंडर मिल जाता। तो वो चीज, वो पेनफुल एरिया हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं कि आपको कैसे टेक्निकली फुली कॉम्प्लाइंट बिड कैसे जेम पे सबमिट करनी है। उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर भी करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि कौन से क्लॉज का कौन सा राइट डॉक्यूमेंट है ताकि आप लोग भी एक फुली कॉम्प्लाइंट बिड जेम पे डाल सके। साथ ही साथ देखते होंगे आपकी आपने जो प्रोडक्ट अपलोड किए हैं उससे रिलेटेड आप बिड्स जो हैं वो आपके डैशबोर्ड में शो कर रही है, बट उनमें से कुछ बिड्स ऐसी होती हैं जिसमें आपके प्रोडक्ट नहीं फेच करता है सॉफ्टवेयर या वहाँ पे दिखा देता है नो प्रोडक्ट फाउंड फॉर योर सर्च। तो उसमें मतलब आपको कैसे प्रोडक्ट अपलोड करने हैं या आपको कहीं से टेंडर मिलता है जिसको आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जो आपके मतलब प्रोफाइल से रिलेटेड नहीं है बट आप इंटरेस्टेड हैं उस टेंडर को पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उसमें आपको टेंडर पार्टिसिपेशन कैसे करना है, कैसे उससे रिलेटेड आपको प्रोडक्ट अपलोड करना है और कैसे उसमें फुली कॉम्प्लाइंट आपको बिड डालनी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। सो गाइज, मैंने लॉग इन कर लिया है अपने जेम प्रोफाइल पे। तो अब हम लोग बिड सेक्शन में जाएंगे। बिड पार्टिसिपेट करने के लिए आपको बिड सेक्शन पे जाना होता है। आप देखेंगे अपने डैशबोर्ड में यहाँ पे ऑप्शन आता है मार्केट ऑर्डर्स बिड्स। तो मार्केट्स में आपको मार्केट पे क्लिक करेंगे तो आपका सर्च इंजन ओपन हो जाता है जहाँ पे आप कोई भी कैटेगरी डाल के सर्च कर सकते हैं। ऑर्डर्स पे जो आपको ऑर्डर रिसीव होते हैं वो वहाँ पे शो करेंगे और जो आपको बिड पार्टिसिपेट करनी है वो आपको इस सेक्शन में शो करती है। तो इसमें बिड जब आप पार्टिसिपेट करने जाते हैं तो आप यहाँ पे देखते हैं कि मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो प्रोडक्ट की जो बिड्स होती हैं वो इस सेक्शन में आपको मिलती है। सर्विस जो बिड्स हैं वो आपको इस सेक्शन पे मिलेगी जब आप क्लिक करेंगे सर्विस बिड्स एंड आर ए जहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे बंच बिड का एक ऑप्शन है। बंच बिड उन चीजों के लिए होती है जो बिड एक एक आइटम से ज्यादा आइटमों के लिए निकली होती है, जैसे कि आपका एक स्मार्टफोन है और उसी बिड में टेलीविजन भी चाहिए बायर को, उसी बिड में उनको रेफ्रिजरेटर भी चाहिए, तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट के लिए जो बिड निकलती है वो बंच बिड कहलाती है और वो बंच बिड आपको इस सेक्शन में देखने को मिलेगी। सर्विस बंच बिड में सेम उसी तरीके से जैसे प्रोडक्ट की बंच बिड है, अगर सर्विसेज की मतलब एक से ज्यादा सर्विसेज बायर ने बिड में निकाली है, जैसे व्हीकल हायरिंग भी उसमें है, मैन पावर भी है और उनमें सैनिटाइजेशन सर्विसेज भी उनको चाहिए जिसके लिए उन्होंने एक ही बिड निकाली है, तो वो सर्विस सेक्शन में आपको देखने को मिलेगी। बिड टू आर ए, बिड टू आर ए में क्या होता है कि जो एक बिड निकलती है उसमें आप लोग अपना कोटेशन सबमिट करते हैं तो वो बिड उसमें पहले से ही लिखा होता है कि ये बिड बिड खुलने के बाद ही रिवर्स ऑक्शन में जाएगी। तो उसमें क्या होता है कि जो 50% टॉप 50% टॉप L5 जो होते हैं, टॉप 50% के जो कोटेशंस होती हैं उनको एक इनविटेशन भेजा जाता है, एक ओपन रिवर्स ऑक्शन होता है, फिर उसमें आपको अपना लोएस्ट कोटेशन आपको सबमिट करना होता है, तो वो जो आर ए क्रिएट होता है वो आपको इस सेक्शन में देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है कस्टम बिड का, कस्टम बिड बेसिकली उन चीजों के लिए एप्लीकेबल होती है जिनकी कैटेगरीज जेम पे अवेलेबल नहीं है। तो ये बायर को एक फंक्शनैलिटी दी गई है जेम द्वारा कि जो जो कैटेगरीज जब तक जेम पे अवेलेबल नहीं है तो आप ये कस्टम बिड के थ्रू आप जेम के थ्रू प्रोक्योर कर सकते हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बिड में पार्टिसिपेट करना है। तो मैं वापस से इस प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे आ गया हूँ। तो आप देखते हैं कि अपनी प्रोफाइल पे आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बिड्स आपको देखने को मिलेगी। बिड्स आपको वही देखने को मिलेगी यहाँ पे जो आपने कैटलॉग बना रखा होगा, जिस कैटेगरी से रिलेटेड आपने कैटलॉग बना रखा होगा। मतलब कि जैसे अगर आप टेलीविजन के बिड पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एक टेलीविजन कैटेगरी का कोई भी एक प्रोडक्ट ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद जेम का सॉफ्टवेयर क्या करता है उस कैटेगरी से रिलेटेड जितने भी बिड्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली आपको लॉग इन करने के बाद डैशबोर्ड में शो करना स्टार्ट कर देता है। तो इसमें से आपका अगर कोई भी आपको प्रोडक्ट अगर आपका बिड पार्टिसिपेट करनी है और अगर आपका वो प्रोडक्ट अगर आपकी कैटलॉग में पब्लिश नहीं है तो सबसे पहले बिड पार्टिसिपेट करने से पहले आपको क्या करना है, उस कैटेगरी का कोई भी आपको एक प्रोडक्ट अपलोड करना है। प्रोडक्ट कैसे अपलोड किए जाते हैं वो मैं अपनी लास्ट वीडियोस में बता चुका हूँ। आप जाके मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो का लिंक भी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, आप जाके वहाँ पे सीख सकते हैं कि जेम पे कैटलॉग मैनेजमेंट कैसे होता है, वहाँ से आप देख सकते हैं।
तो बिड के रिगार्डिंग आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बिड्स आ रही हैं, नीचे मल्टीपल पेजेस भी हैं, आप क्लिक करेंगे तो वो बिड्स खुलती जाएंगी जो अभी लाइव है। तो किसी भी एक बिड को हम लोग ओपन कर लेते हैं, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया पार्टिसिपेट पे। तो जब आप बिड ओपन करते हैं तो बिड डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बिड की बेसिक डिटेल्स देखने को मिलती है कि बिड कब पब्लिश हुई, बिड कब एंड होने वाली है, कितनी क्वांटिटी के लिए बिड है, बिड का लाइफ साइकिल कितना है, कंसाइनी कौन रहने वाला है बिड का। तो यहाँ कंसाइनी पे आप क्लिक करते हैं तो इस लोकेशन पे आपको डिलीवरी देनी है, जिससे कि आप अपना जो रेट्स वगैरह है, कोटेशन जो है, आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर पाओ, अपना फ्रेट कैलकुलेट कर पाओ। तो उसके लिए ये कंसाइनी डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी दी गई है। टर्म्स एंड कंडीशन, अगर एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे दी गई होती है, इसको ओपन करके आप चेक कर सकते हैं कि जो बायर ने एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन जो जो इस बिड में लगा रखी है, इस सेक्शन को आप ओपन करके वहाँ पे आप गो थ्रू कर सकते हैं, समझ सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं, कौन कौन से इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है, तो आप इस सेक्शन को ओपन करके उसे समझ सकते हैं। उसके बाद नीचे आप आते हैं तो यहाँ पे आता है आइटम से रिलेटेड, इस तरीके का ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करेंगे तो जो बिड के जो टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं वो आपके सामने यहाँ पे खुल जाते हैं, जो बायर की रिक्वायरमेंट है जिसके लिए वो बिड निकली है। तो जैसे ये हमारी जो बिड है ये बैटरी से रिलेटेड है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों की जो जो बिड होगी सेम इसी तरीके से फंक्शनैलिटी वर्क करती है जेम पे, किसी भी प्रोडक्ट की बिड हो उसका जो पैटर्न है वो यही है। तो हम लोग ने एग्जाम्पल के लिए मैंने ये वाले बिड ओपन कर ली है, तो इसमें टेक्निकल पैरामीटर्स जो बायर ने मांगे हैं वो ये है बैटरीज के लिए कि BIS मार्क नो होना चाहिए, बैटरी की वोल्टेज इतनी होनी चाहिए, कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए। तो इसी तरीके से आप लोगों के भी जो भी होगा वो आप लोगों को अपने स्क्रीन में जब आप करेंगे तो इस तरीके से आपने आपको देखने को मिल जाएगा। इन केस अगर आप बिड का डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो बिड का डॉक्यूमेंट भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, बिड नंबर यहाँ पे लिखा होता है उस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाता है। तो इस तरीके से आप बिड का डॉक्यूमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे नीचे आएंगे, आपने टेक्निकल पैरामीटर्स देख लिया, अब आपको टेक्निकल ऑफरिंग सबमिट करनी है तो आप पार्टिसिपेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट शो कर देगा, जो आपका जेम का सॉफ्टवेयर है आपने जो प्रोडक्ट पब्लिश कर रहा है वो यहाँ पे शो कर देगा आपको। अगर इन केस आपको यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट शो नहीं कर रहा है और मतलब आपका मतलब आप देख रहे हैं पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो यहाँ पे आपका कोई भी प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, नो प्रोडक्ट फाउंड फॉर योर रिजल्ट्स का, इस तरीके का अगर आपके सामने ऑप्शन आ रहा है तो उस केस में आपको क्या करना है, मार्केट में जाके या अपना आपको एक कैटलॉग बनाना है जिसमें कि ये सारे पैरामीटर्स होने चाहिए, मतलब जो भी टेक्निकल जो पैरामीटर्स आपके बायर ने मांगे हैं वो सारे प्रोडक्ट, उस तरीके का आपका कोई प्रोडक्ट आपके कैटलॉग में ऐड होना चाहिए, तभी जेम का सॉफ्टवेयर उस प्रोडक्ट को फेच करता है और यहाँ पे दिखाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर कोई आप स्मार्टफोन का टेंडर डाल रहे हो, स्मार्टफोन में जो बायर की रिक्वायरमेंट है उन्होंने जो मांगा है एंड्रॉयड मांगा है, बट आपके उन्होंने जो सॉफ्टवेयर मांगा है एंड्रॉयड मांगा है, बट आपने जो कैटलॉग बना रखा है वो iOS का बना रखा है, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, सॉफ्टवेयर को जो कमांड मिली हुई है उसने, जो बायर ने बोला गया है कि मुझे खाली एंड्रॉयड ही फोन चाहिए, तो जब अगर आपने एंड्रॉयड फोन अपने कैटलॉग में ऐड नहीं कर रखा है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ पे आप सबमिट नहीं कर पाएंगे उस बिट को, आपको कोई भी प्रोडक्ट शो नहीं करेगा सॉफ्टवेयर। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मार्केट में जाके आपको पहले एंड्रॉयड फोन आपको ऐड करना होगा, उसके बाद आपको इस तरीके का प्रोडक्ट यहाँ पे सॉफ्टवेयर फेच करके दिखा देगा और आप उसको चूज करके अपना टेक्निकल ऑफरिंग बायर को दे सकते हैं, इस तरीके का आपका वो सबमिट हो जाएगा। इसमें एक आपको अंडरटेकिंग दे के सेव एंड कंटिन्यू करना है। वो प्रोडक्ट कैसे अपलोड कर सकते हैं आप लोग, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है कि आप जेम पे कैटलॉग कैसे बना सकते हैं, आप मेरी वो वीडियो चेक कर सकते हैं कि जेम पे किस किस तरीके से कौन कौन से तरीके से प्रोडक्ट अपलोड किए जा सकते हैं, उसको देख सकते हैं, वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। जब आप ये टेक्निकल ऑफरिंग सबमिट कर देते हैं तो आपको यहाँ पे प्राइस डालना होता है, प्राइस आप डाल दीजिए यहाँ पे, जो भी आपके प्रोडक्ट का प्राइस है, यूनिट प्राइस आपको यहाँ पे डालना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो आपका, जैसे ये क्वांटिटी 20 क्वांटिटी का ऑर्डर है, 20 क्वांटिटीज का ये जो टेंडर है, तो इसमें जो आपको प्राइस डालना है पर यूनिट प्राइस डालना है एक एक यूनिट का, जैसे एक ये बैटरी का है तो हम यहाँ पे एक बैटरी का प्राइस डालेंगे, मैंने 5000 डाल दिया, 5000 डाल दिया, जब इसे फिर सॉफ्टवेयर ऑटो कैलकुलेट करके आपको टोटल प्राइस दिखा देता है।
एक और बात बहुत नोटिस करने वाली बात है, कई लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है कि हमने जो यहाँ पे प्राइस डालना है वो कैसे डालना है, विद जीएसटी डालना है विदाउट जीएसटी डालना है, या फिर हमें मतलब डिपार्टमेंट वाले क्या हमें फ्रेट के लिए मतलब कुरियर पहुंचाने के लिए अलग से पैसे देंगे या इंस्टॉलेशन के लिए अलग से पैसे देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो यहाँ पे प्राइस डालना है ये बिल्कुल एंड प्राइस होना चाहिए, आपका एंड कस्टमर प्राइस, जिसमें आपका फ्रेट भी इंक्लूड होना चाहिए, आपका जीएसटी भी इंक्लूड होना चाहिए, आपका प्रॉफिट भी इंक्लूड होना चाहिए, एवरीथिंग आपको यहाँ पे इंक्लूड करके यहाँ पे कोट करना है। जब आप यहाँ पे कोट कर देगा, सिस्टम इस तरीके से ऑटो कैलकुलेट करेगा और आपको यहाँ पे टोटल कोटेशन आपको दिखा देगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, या कहीं पे आप मेंटेन कर सकते हैं ताकि आपको कल को याद रहे कि इस बिट में आपने क्या प्राइस डाला था। इसे आप ओके करेंगे, इस तरीके से आप प्रोसीड करेंगे, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टेप खुल जाता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में क्या है, जैसे इसमें दो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, सर्टिफिकेट रिक्वेस्टेड इन एटीसी। सर्टिफिकेट रिक्वेस्टेड इन एटीसी का मतलब है कि सर्टिफिकेट रिक्वेस्टेड इन एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन, एटीसी की फुल फॉर्म है एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन। तो एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन हमने अभी यहाँ पे देखी थी कि जो बायर ने मांगी है, तो यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि बायर ने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मांगा है जो हमें सबमिट करना है। जैसे आप इसमें पढ़ेंगे तो इसमें जो डॉक्यूमेंट जो बायर ने इस तरीके का कोई डॉक्यूमेंट मांगा है जो हमें अलग से सबमिट करना है, तो आप चेक कर सकते हैं। जैसे इसमें जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे ऐसा कोई अलग से डॉक्यूमेंट नहीं है इसमें, जस्ट इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि ये आपको एक्सेप्ट करनी है जब आप ये बिड आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट वाला इन्होंने दे रखा है कि डिलीवरी जो होगी वो इस एड्रेस पे होगी। तो आपको क्या करना है कि इस तरीके जब आप सर्टिफिकेट रिक्वेस्टिंग इस तरीके का ना एक फॉर्मेट आपको बना देना है, अपने लेटर हेड पे एक अंडरटेकिंग देनी है कि मतलब वी आर एक्सेप्टिंग योर टर्म्स एंड कंडीशन। मैं आपको एक दिखा देता हूँ फॉर्मेट किस तरीके से वो बन सकता है। तो इस तरीके का एक आप फॉर्मेट बना के आप उसको अपने लेटर हेड पे साइन स्टैम्प करके आप दे सकते हैं, जिसमें जो जनरल डिटेल्स हमने डाली है, जैसे बिड नंबर हमने डाल दिया, डेट डाल दिया, डिपार्टमेंट को हमने एड्रेस कर दिया, और उसमें हमने अंडरटेकिंग दे दी कि हम कंफर्म कर रहे हैं कि जो आपका ने जो टर्म्स एंड कंडीशन डाली थी टेंडर डॉक्यूमेंट में वो हमने समझ ली है अच्छे से, और उनको समझते हुए ही हमने रेट कोट किया है। इनकेस अगर हमें टेंडर मिल जाता है तो हम आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारी एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग ही हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस तरीके का फॉर्मेट आप बना के उसमें अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसमें अपलोड कर देता हूँ जैसे इसको, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट जैसे जैसे डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो डॉक्यूमेंट वैसे वैसे सबमिट करने हैं आपको। अब यहाँ पे मांगा गया है ओईएम ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट। ओईएम ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट में आपको क्या सबमिट करना है, ओईएम ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट में आप जैसे किसी ब्रांड का आप रीसेलर हैं, या अगर आपका खुद का ब्रांड है तो आप सेल्फ डिक्लेयर कर सकते हैं खुद को कि मतलब हम इस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट में मैन्युफैक्चरर हैं, उस तरीके का एक अंडरटेकिंग आप डाल के इसमें डाल सकते हैं। बट जो लोग रीसेल कर रहे हैं, जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, रीसेलिंग कर रहे हैं, उनको क्या करना है, अपने ओईएम से ऑथराइजेशन लेना है और वो ऑथराइजेशन आपको यहाँ पे सबमिट करना है। जैसे यहाँ पे बैटरी जो है, हम अमेरॉन की बैटरी हमने यहाँ पे कॉम्प्लाई करी है, टेक्निकल ऑफरिंग जो अमेरॉन की दी है, तो हमें क्या करना होगा, अमेरॉन कंपनी से एक ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। अमेरॉन कंपनी हमें क्या करेगी, ऑथराइज करेगी कि हम लोग जेम पे बिड कर सकते हैं, उनके प्रोडक्ट जेम पे रीसेल ट्रेड कर सकते हैं। तो उस तरीके का आपको ओईएम ऑथराइजेशन यहाँ पे बना के सबमिट करना है। तो मैं दिखा देता हूँ कि ऑथराइजेशन किस तरीके का हो सकता है। जैसे ये सैमसंग का ऑथराइजेशन है, अमेरॉन का नहीं है मेरे पास, हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे थे उस बिड को, तो ये मेरे पास एक फॉर्मेट अवेलेबल है। तो इस तरीके का आप फॉर्मेट लेके अपने वहाँ पे सबमिट कर सकते हो, जो बाय आपको अपने ओईएम से मिला है वो आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। तो ये मैं सबमिट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे ये मैं इसको सबमिट कर दे रहा हूँ, इसमें मैं अभी अपलोड कर दे रहा हूँ ऑथराइजेशन, सेव कर दिया मैंने इसको। और नेक्स्ट स्टेप आपका जो फाइनल स्टेप आ जाता है वो ओटीपी का आ जाता है। यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है, आपके इस वेरीफाई विद ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा, यहाँ पे आपको ओटीपी डालना है और आपका ये जो टेंडर है वो सबमिट हो जाएगा।
ओटीपी मैं डाल देता हूँ, 4373। ओके, वेरीफाई। वेरीफाई करेंगे तो आपका ये जो टेंडर है ये पार्टिसिपेट हो चुका है। पार्टिसिपेटेड डॉक्यूमेंट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसे क्लिक करेंगे तो ये पार्टिसिपेटेड डॉक्यूमेंट आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसे डाउनलोड करके इसे सेव कर सकते हैं और इसी तरीके से आप बिड पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि जेम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यूजुअली बायर मांगते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको बहुत सारी बिड्स में सबमिट करके करने की जरूरत पड़ सकती है। तो मैंने एक चेकलिस्ट बना रखी है ऑलरेडी कि जो यूजुअली जो बायर जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। मैं आइए मैं बता देता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स ये कुछ इस ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने बना रखे हैं ऑलरेडी कि इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स यूजुअली जब आप बिड पार्टिसिपेट करते हो जेम पे, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो बायर आपसे मांगते हैं। आप देखेंगे कि बैक टू बैक कुछ बिड्स में आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ सकते हैं। तो मैं समझा देता हूँ, जैसे फर्स्ट है इसमें ओईएम ऑथराइजेशन। ओईएम ऑथराइजेशन अगर आपसे मांगा गया है तो मैंने जैसे आपको बताया ओईएम ऑथराइजेशन आपको अपने OEM से लेनी है, मतलब OEM का मतलब है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। अगर आप सैमसंग का फोन बेच रहे हो तो आपको जो ऑथराइजेशन दे सकता है वो खाली सैमसंग दे सकती है। तो सैमसंग से एक ऑथराइजेशन लेके वहां पे आपको अपलोड करना है। ध्यान रखिएगा कि उसका कोई भी रीसेलर, कोई भी ट्रेडर, कोई भी चैनल पार्टनर आपको ऑथराइजेशन देने के लिए एलिजिबल नहीं है। आपको जो ऑथराइजेशन दे सकता है वो खाली OEM दे सकता है। उसके बाद ओईएम टर्नओवर, ओईएम टर्नओवर सर्टिफिकेट मांगते हैं बायर बहुत सारी बिड्स में। तो आपको क्या करना है, अपनी ओईएम से एक टर्नओवर सर्टिफिकेट आपको लेके सबमिट करना है। मैं दिखा देता हूँ किस तरीके का वो सर्टिफिकेट हो सकता है। इस तरीके का आप एक सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं, अपने आप ओईएम सर्टिफिकेट अपने ओईएम से आप ले सकते हैं, जिसमें उनका टर्नओवर होगा, वो उस तरीके का आपका सारा वो डिटेल होगा, ये आप लेके आप सबमिट कर सकते हैं बायर को। उसके बाद है पास्ट वर्क ऑर्डर्स एक्सपीरियंस क्राइटेरिया। मतलब इसमें पास्ट वर्क ऑर्डर्स में जैसे एक्सपीरियंस क्राइटेरिया का ऑप्शन आप देखेंगे कि वहां पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने रहते हैं। तो एक्सपीरियंस क्राइटेरिया में आपको क्या अपलोड करना है, आपको उसमें पास्ट वर्क ऑर्डर्स अपने अपलोड करने हैं। जो मतलब आप जो टेंडर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे आप हम ये बैटरी से रिलेटेड टेंडर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जो भी आपका प्रोफाइल है, जो भी आप टेंडर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उस प्रोफाइल से रिलेटेड आपने जो पहले वर्क ऑर्डर्स जो आपने काम किए हैं, जो आपने ऑर्डर एग्जीक्यूट किए हैं, उनका अगर आपके पास परचेज ऑर्डर है या आपके पास बिलिंग डिटेल जो आपने बिल किए थे उनको डिपार्टमेंट को सप्लाई किए थे वो है, या आपके पास किसी के पास कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है तो आप वो सबमिट कर सकते हैं, या आपके पास कहीं से कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला हुआ है किसी प्रोजेक्ट का तो आप वो सबमिट कर सकते हैं। तो वो एक्सपीरियंस क्राइटेरिया में आपको वो सब सबमिट करना होता है। बिडर टर्नओवर में आपको इसी तरीके से जैसे मैंने अभी ओईएम टर्नओवर सर्टिफिकेट दिखाया, वैसे ही एक आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं अपने सीए से और आप बिडर टर्नओवर सर्टिफिकेट में आप वो अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ बिडर टर्नओवर सर्टिफिकेट किस तरीके का हो सकता है। तो ये इस तरीके का सर्टिफिकेट आप अपना कंपनी के लिए बनवा सकते हैं। एक बार आपको ये बनवाना है अपने सीए से और आपके ये बहुत सारे बिड्स में काम आने वाला है, तो ये डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर करके रख सकते हैं ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो, जब भी आपको कहीं पे अपलोड करने की जरूरत पड़े तो आपके पास ये रेडी हो। तो ये आप बिडर टर्नओवर इस तरीके से आप बना के रख सकते हैं। बैंक मैंडेट फॉर्म, बैंक मैंडेट फॉर्म बहुत सारे बिड्स में आपसे मांगा जाता है। तो बैंक मैंडेट में क्या करना होता है आपको कि आपको एक लेटर हेड पे अपनी बैंक डिटेल्स लिखनी होती है और उसे अपना जो बैंक है आपका, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उससे अटेस्ट करवाना होता है कि मतलब वो अंडरटेकिंग एज अ अंडरटेकिंग वर्क करता है कि कल को अगर बायर आपको पेमेंट करता है उन बैंक डिटेल्स पे और इन केस जो आपने बैंक डिटेल्स दी हुई हैं वो गलत है या कहीं और पेमेंट चला जाता है तो उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। तो ये सब चीजें आपको बैंक से मतलब एक मैंडेट फॉर्म देना होता है ताकि वो वेरीफाइड रहे कि आपके जो आप बैंक डिटेल सबमिट कर रहे हो तो वो एग्जैक्ट सेम है, आप ही के बिलोंग करती हैं और जो पेमेंट है वो आप ही को मिलेगा। उस तरीके का आप फॉर्मेट आप बना के दे सकते हो, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि बैंक फॉर्म मैंडेट फॉर्म किस तरीके का हो सकता है।
तो ये बैंक मैंडेट फॉर्म इस तरीके का आप दिखा सकते हो, जैसे ये देख रहे हैं आपकी, ये हमने लेटर हेड पे बना के बैंक डिटेल्स यहाँ पे डाली गई है, बैंक से हमने साइन स्टैम्प करवा लिया इसमें, और आप इसे बैंक मैंडेट फॉर्म के रोल में आप इसे सबमिट कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इस पे एस्केलेशन मैट्रिक्स। एस्केलेशन मैट्रिक्स एक डॉक्यूमेंट होता है कि जो आपको सबमिट करना पड़ सकता है। एस्केलेशन मैट्रिक्स में बेसिकली आपको क्या बताना होता है कि आपको अपने ऑफिस की या अपने डिपार्टमेंट की या आपका जो भी कंपनी है उसका एक हायरार्की टाइप आपको बना के देना होता है कि जो भी आप मटेरियल वहां पे दे रहे हैं, तो अगर कल को वहां पे कोई प्रॉब्लम आता है तो वहां जो बायर है वो किससे कांटेक्ट करेगा। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, एक हायर पर्सन का नंबर दे सकते हैं, फिर उससे कोई लोअर डिविजन का दे सकते हैं, फिर उससे लोअर पोस्ट वाले का दे सकते हैं, ताकि आप उसमें स्टेज दे सकते हैं कि अगर उसने पहले कॉन्टैक्ट करना है तो पहले जूनियर को कॉन्टैक्ट करना है, अगर वो नहीं है तो फिर सपोर्ट वाले को आपको कॉन्टैक्ट करना है, अगर उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो वहां पे आप किसी सीनियर का नंबर मेंशन कर सकते हो। तो वो उस तरीके का आपको एक सर्टिफिकेट बना के देना होता है। मैं आपको शो कर देता हूँ कि वो कैसा हो सकता है। तो ये एस्केलेशन मैट्रिक्स आप इस तरीके की बना के दे सकते हैं। जैसे इसमें देख रहे हैं आपकी, यहाँ पे डाल दिया गया कि बिडर का नाम, बिडर का ये लेटर हेड पे, या आप अपने लेटर हेड पे कर सकते हैं, बायर का नाम लिख सकते हैं, डिपार्टमेंट का नाम लिख सकते हैं, और इस तरीके की कि आप अंडरटेकिंग बना के दे सकते हैं। आप रीजन आपका, अगर आप पूरे पैन इंडिया ऑपरेट करते हैं तो आप, जरूरी नहीं है हर एक रीजन वाइज आपको बनाना, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है उस तरीके से आप बना सकते हैं। ये मैं जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि एस्केलेशन मैट्रिक्स में क्या हो सकता है। तो इसी तरीके का आप डॉक्यूमेंट बना के बायर के साथ शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आता है सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में अगर आपका कोई सर्विस सेंटर है तो उसकी डिटेल आपको लेटर हेड पे लिख के देनी होती है कि मतलब ये हमारा सर्विस सेंटर है, और किसी डिपार्टमेंट ने अगर मांगा है कि आपका जहाँ पे भी आप ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे हो वहाँ पे सर्विस सेंटर होना चाहिए, तो इस एक अपने लेटर हेड पे आप उस सर्विस सेंटर की डिटेल्स, उसका नंबर आप डाल के दे सकते हो। सर्टिफिकेट रिक्वेस्टेड इन ATC, सर्टिफिकेट रिक्वेस्टेड इन ATC का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको एक अंडरटेकिंग देनी होती है, और उसमें जो सर्टिफिकेट्स मांगे गए हैं आपसे एडिशनल, जैसे ISO सर्टिफिकेट मांगा गया है या उन्होंने और भी कोई डॉक्यूमेंट मांगे हैं एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन में, तो उस सर्टिफिकेट के साथ आपको वो भी अटैच करके देने हैं। क्वालिटी सर्टिफिकेट्स में जैसे एडिशनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स, सर्टिफिकेट रिक्वेस्टेड इन ATC में अगर आपसे मांगे गए हैं, जैसे ISO मांगा गया है, कहीं कहीं पे फूड लाइसेंस मांगा गया होता है फूड से रिलेटेड बिड्स में, तो आपको ये कुछ डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो बिड के अकॉर्डिंग आपको समझ के सबमिट करने होते हैं। तो इस तरीके से आप इन स्टेप्स को फॉलो करके जेम पे अपना फुली कॉम्प्लाइंट बिड डाल सकते हैं। और आप ये छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स हैं जो यूजुअली लोग मिस कर जाते हैं जब वो टेंडर पार्टिसिपेट करते हैं, और उनका जो टेंडर है वो डिसक्वालीफाई हो जाता है। तो इसी तरीके से आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना अपना जो बिड है वो जेम पे आप डाल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो बिड पार्टिसिपेशन से रिलेटेड। आप लोग भी इन स्टेप्स को फॉलो करके जेम पे फुली कॉम्प्लाइंट बिड डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दे रहा हूँ। जिस भी दोस्त को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए फुली कॉम्प्लाइंट बिड डालने के लिए, आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपको एक एक कॉपी मैं मेल कर दूंगा, उसको फॉलो करके उनका रेफरेंस लेके आप लोग भी अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर जेम से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, चाहे वो कैटलॉग मैनेजमेंट है, बिड मैनेजमेंट है, या L1 कंपैरेटिव इंडेंट है, कुछ भी है, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपके लिए वो वीडियोस लेके आएंगे ताकि आपकी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकें। इसी तरीके से जेम से रिलेटेड हर एक टॉपिक से रिलेटेड हम इस चैनल पे एक वीडियो लेके आने वाले हैं, और आप लोगों को हेल्प करते रहेंगे इसी तरीके से। तो वो वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।